अग्निवीर स्कीम के विरोध में हो रही तोड़फोड़ आगजनी देखकर वो युवा परेशान हैं जो सच में इस स्कीम का विरोध तर्कपूर्ण तरीके से कर रहे हैं। आज तक की टीम यूपी के ग्रेटर नोएडा के उस गांव पहुंची जहां से युवाओं का एकमात्र सपना सेना में भर्ती होने का होता है। वो इसके लिए कड़ी मेहनत करते हैं और इस तरह से न सिर्फ अपना सपना पूरा करते हैं बल्कि परिवार की परंपरा को भी वो आगे बढ़ाते हैं। हम आपको बता दें कि हम पहुंचे थे साठा चौरासी गांव जहां के बारे में कहा जाता है कि इस इलाके ने सेना को सैकड़ों वीर दिए हैं। जरा देखिए इस गांव से बच्चों की मन की बात। सेना भर्ती पर सोशल मीडिया पर टिप्पणी करना आसान है लेकिन सेना भर्ती में जाना आसान नहीं होता। मेहनत करनी पड़ती है, पसीना बहाना पड़ता है, सैन्य अनुशासन सीखने से पहले खुद को अनुशासन में ढालना पड़ता है। इन युवाओं को देख रहे हैं आप, ये है वो मेहनत जो सेना भर्ती से पहले गांव देहात के युवा सुबह शाम करते हैं। इनकी मेहनत और इस मेहनत में लगने वाले दमखम का अंदाजा वो कभी नहीं लगा सकते जिनका सपना सेना में जाना ना हो। आज तक यूपी के उस इलाके में पहुंचा है जहां सेना में जाना युवाओं का एकमात्र सपना होता है और वो अपने पूर्वजों की तरह ही इसे देश के प्रति अपना फर्ज समझते हैं। ये है ग्रेटर नोएडा का साठा और चौरासी गांव। अग्निवीर स्कीम कैसी है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जानने के लिए हम लोग वीरों की धरती पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मशहूर गांव साठे चौरासी के खटाना गांव में पहुंचे हैं जहां पर ये तमाम युवा आर्मी में भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। सेना में जाना जिन युवाओं का सपना है उनको सरकार की अग्निवीर स्कीम से समस्या है, वो पुरानी वाली व्यवस्था ही चाहते हैं। साठा और चौरासी गांव की खास बात यही है कि यहाँ पर बड़ी संख्या में वो परिवार रहते हैं जिनके घर से कोई ना कोई या तो सेना में सेवाएं दे रहा है या फिर सेना से रिटायर्ड है। ये गांव खटाना है, साठे चौरासी का मतलब सड़क के एक तरफ साठ और दूसरी तरफ चौरासी गांव है और ये इलाका इसलिए मशहूर है क्योंकि भारतीय सेना में बहुत ही छोटे क्षेत्रफल से सबसे ज्यादा सैनिक इसी इलाके से जाते हैं। हमारे साथ यहाँ पर ऐसे रंगरूट हैं जो अग्निवीर बनने की तैयारी कर रहे हैं, क्या वाकई अग्निवीर बनना चाहते हैं? जी, पहली बात तो ये आप तैयारी देख रहे हैं और दूसरी बात ये हमें नहीं चाहिए जी अग्निवीर, हमें तो जो हमारा पिछला नियम था वो हमें दे दो, हमें देश की सेवा करनी है। हमारे पिताजी हम किसान आदमी है, कोई हम अमीर आदमी नहीं है, हमें पिछले नियम दे दो, हमें ये नया नहीं चाहिए। मान लो हमारी अभी किस साल उम्र है, 4 साल करके 25 साल, हमें 25 साल थोड़ी नहीं जीना है, हमें तो बहुत लंबी उम्र है हमारी जी। अग्निवीर स्कीम को लेकर इन युवाओं में गुस्सा है, ये बाकियों की तरह तोड़फोड़ या आगजनी तो नहीं कर रहे हैं लेकिन इनके सवालों को दरकिनार नहीं किया जा सकता। जवानों की धरती, वीरों का देश, गांव खटाना उत्तर प्रदेश, भर्ती आनी चाहिए 4 साल की, हमें बिल्कुल नहीं चाहिए जी। बड़े बूढ़े ने, पूर्वजों ने हमारे इन बलिदान दिया, हमारे देश को आजाद कराए, हमारा भी कर्तव्य है कि हम भी अपने देश के लिए कुछ करें, हम भी इसलिए सेना में भर्ती होना चाहते हैं। अब आके सरकार आते अंत में आ गए, सपने ने चूर चूर कर देती है तो क्या करें सर। सेना में जाने की उम्मीद में पिछले 2 सालों से मेहनत कर रहे इन युवाओं को 4 साल बाद के भविष्य की चिंता है लेकिन जब उन्हें ये बताया गया कि उसके बाद वो पुलिस भर्ती में जा सकते हैं तो इस पर इनका क्या कहना है वो सुनिए। पुलिस में नहीं जाना, क्यों पुलिस में नहीं जाना? पुलिस में जाना नहीं है जी, ना बचपन से आर्मी की तैयारी कर रहे हैं जी, आर्मी का ही शौक है हमें, आर्मी का सपना है बस। हालांकि इस इलाके में कुछ बुजुर्ग जिन्होंने काफी लंबा समय सेना में बिताया है उनकी अपनी अलग राय है, हमने कुछ लोगों से बात की। हमारे यहाँ 84 में लोगों को डिफेंस में जाने का बहुत शौक है और शौक का एक ये कारण यह भी रहा है कि हम क्षत्रिय जात कास्ट होने के नाते हमको लड़ने मरने में ज्यादा आनंद आता है। तो गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा प्रोसीजर निकाला है, अगर हम 5 साल भी नौकरी करते हैं तो 5 साल के एक्सपीरियंस तो हमारे पास है, हमको सिविल में जॉब मिलेगा। ये गलत कर रहे हैं विरोध, इनको उस चीज़ की जानकारी नहीं है, इतना सिविल में कौन जो है बच्चा आज बीटेक एमटेक करके जो है कितनी सैलरी ले रहा है वो आपको पता है सब। साठा चौरासी गांवों के युवाओं का मकसद हमेशा से ही सेना भर्ती का रहा है लेकिन नई स्कीम से निराश इन युवाओं को लगने लगा है कि अब देश के किसानों के बेटों को सेना का जवान बनने का सपना छोड़ना पड़ेगा। ग्रेटर नोएडा से अभिषेक आनंद, आज तक।